तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टेक्निकल गौरव और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के एक नए वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल GR पे। तो दोस्तों देखिए, अभी आप जो वीडियो के अंदर फोन देख पा रहे हैं ये पोको कंपनी का फोन है। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल दिखा दूं। अभी देखना आप यहाँ पर दोस्तों, इसका जो मॉडल है वो डिवाइस नेम यहाँ पर लिखा हुआ है पोको C31। ठीक है दोस्तों, पोको C31 मोबाइल है। और देखिए इस फोन के अंदर प्रॉब्लम क्या है वो भी साथ ही आपको बता दूं, और इसका सलूशन किस तरीके से करेंगे वो भी आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों देखिए, आप सबसे पहले यहां पर डिस्प्ले में नीचे की तरफ देखना, आपको यहां पर देखिए सेफ मोड लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो दोस्तों इस फोन के अंदर सेफ मोड एक्टिवेट हो गया है। तो आप इस सेफ मोड को किस तरीके से डीएक्टिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से बंद कर सकते हैं, उस सभी की जानकारी आज के इस वीडियो आपको देने वाला हूं। तो भाई वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक वॉच करना, जिससे कि आप अच्छे समझ सकें। यदि इन फ्यूचर आपके सामने ये प्रॉब्लम आया, आपके फोन पोको के C31 मोबाइल के अंदर सेफ मोड एक्टिवेट हो जाए, तो आप उसे आसानी से बंद कर सकें। लेकिन दोस्तों प्लीज, उससे पहले मैं चाहूंगा, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपके फोन के अंदर सेफ मोड एक्टिवेट हो जाए और आपको इसे ऑफ करना हो, तो आपको करना क्या है? देखिए, आप एक चीज ध्यान रखना, ना तो आपको अपने फोन को हार्ड रिसेट या फैक्ट्री रिसेट करना है, ना ही उसके सॉफ्टवेयर वगैरह कराने हैं। ठीक है, यदि आप अपने फोन को हार्ड रिसेट करोगे यानी फैक्ट्री रिसेट करोगे या फिर सॉफ्टवेयर कराओगे, तो आपके फोन के अंदर जो भी फोन के इंटरनल स्टोरेज में डेटा होगा वो सभी खत्म हो जाएगा। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आप खुद से ही अपने फोन का सेफ मोड बंद कर सकते हैं और आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या, बस ध्यान से समझना। देखिए, आपके फोन का जो पावर ऑन ऑफ की होता है, जिससे आप फोन को चालू बंद करते हैं, आपको इसे थोड़ी देर के लिए दबा के रखना है। ठीक है, जैसे आप इसे दबा के रखेंगे, इस तरह के चार ऑप्शन आपके फोन के अंदर आ जाएंगे, एरोप्लेन, साइलेंट, रिबूट और यहाँ पर पावर ऑफ। तो आपको यहाँ पर रिबूट पर क्लिक करना है और फिर से आपको रिबूट पर ही क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी बस आपको करना क्या है, सिर्फ इंतजार करना है, आपका फोन बंद होगा, आपको इसे ऑन नहीं करना है, अपने आप ही ऑन होगा। थोड़ा सा इंतजार करते रहे बस। देखिए, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, हमारा फोन रिबूट जैसे हमने किया तो बंद हो गया था, और देखिए अपने आप ही यहाँ पर ऑन हो गया है। अभी हमने कोई ऑन नहीं किया है, अपने आप ही फोन ऑन हो गया है। तो हम पूरा ऑन होने तक वेट करते हैं, और जैसे ही हमारा फोन प्रॉपर पूरा ऑन हो जाएगा, 100% हमारे फोन का सेफ मोड बंद हो जाएगा। दोस्तों रिबूट और रिस्टार्ट करने से फोन का सेफ मोड बंद हो जाता है। और साथ ही दोस्तों देखिए, यदि आपने अपने फोन को रिबूट कर लिया, आपका फोन ऑफ हुआ और ऑन भी हो गया, फिर भी आपके फोन का सेफ मोड नहीं हटता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, हम देख लेते हैं फोन को पूरा ऑन होने तक। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा फोन प्रॉपर अभी ऑन हो गया, चार्जिंग दिखा रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको इसका लॉक भी खोल करके दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे हमने फोन को रिबूट किया, आपने रिबूट होने से पहले यहाँ पर देखा था इसके अंदर सेफ मोड था, और जैसे हमारा फोन रिबूट होकर के ऑन हुआ है, सेफ मोड बंद हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और देखिए भी, जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि यदि आप फोन को रिबूट कर लेते हैं तब भी आपके फोन का सेफ मोड बंद नहीं होता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, आपके फोन का जो वॉल्यूम की होता है ना, ये आवाज घटाने बढ़ाने वाले बटन, इनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। जब तक आप इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कराएंगे, तब तक आप अपने फोन को कितनी भी बार रिबूट कर लेना, उसका सेफ मोड नहीं हटेगा। ठीक है, तो पहले आप इसे ठीक करा लेना, जैसे आप ये ठीक करा लेंगे उसके बाद अपने फोन को रिबूट कर देना, और 100% आपके फोन का सेफ मोड बंद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।